शारदा द्वारका पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य महाराज के चरण कमरों में अपना साष्टांग दंडवत प्रस्तुत करता हूँ। साथ ही मेरे गुरुदेव जो साक्षात मंच पर विद्यमान हैं उनके प्रति अपनी पूरी श्रद्धा अर्पित करता हूँ। आप में से अधिकांश मेरे गुरु भाई और गुरु बहन हैं, आप सबके प्रति मैं श्रद्धा से नमन करता हूँ और जो सुधी श्रोता हैं उनके सामने कुछ जैसा मुझे कहने का आदेश हुआ है अपनी बात प्रस्तुत करता हूँ। दो दिन पूर्व मैंने प्रथम पुरखे जो हमारे थे भगवान मनु, उनके बताए हुए 10 धर्मों की बात की थी, 10 धर्म चिन्हों की। धृतिर क्षमा दमोस्तेय शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। ये जो 10 धर्म के चिन्ह हैं ये किसी विशेष जाति के लिए, किसी संप्रदाय के लिए, किसी वर्ण के लिए जैसे ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य के लिए या किसी विशेष आयु के लिए नहीं, ये सभी मनुष्यों के लिए हर समय एक प्रकार से बताए गए हैं। और जो हम मानते हैं कि धर्म की रक्षा करनी होती है तो धर्म हमारी रक्षा करता है। तद् दिव्यम् अव्ययम् धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्ततमसश्चटाः विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यन्निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमैदं श्रीदक्षिणामूर्तये। कञ्जासनादिसुरवृन्दलसत्किरीटकोटिप्रघर्षणसमुज्ज्वलदङ्घ्रिपीठे त्वामेव यामि शरणं विगतान्यभावं दीनं विलोकय दयार्द्रविलोचनेन। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गो माता की, गंगा माता की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मंचस्थ विद्वद्वृंद, समुपस्थित श्रोतृवृंद, हमारे परम प्रिय गुरु भाइयों और बहनों, अभी व्यास जी ने बताया कि आज नाग पंचमी, अब नाग पंचमी का क्या लेना देना है यहाँ से। लेकिन
नाग पंचमी का लेना देना इस तरह से हो सकता है कि अगर ये नाग न होता, भले मरा हुआ पड़ा था, मरे हुए नाग ने ऐसा कुछ किया कि इतना सब शास्त्र निकल करके आ गया, लोगों को मृत्यु भी मिली और मोक्ष भी मिला। सांप जो है दो मुहा होता है ना, और उसके मुख में गरल होता है, विष होता है। तो कहते हैं कि विष जो है उसमें मारक शक्ति होती है, वो मार देता है। इसीलिए सांप किसी को अगर काट ले तो फिर आदमी मर जाता है, इसीलिए लोग सांप से भयाक्रांत रहते हैं। लेकिन जो जानकार आदमी है वो क्या करता है? तो कहते हैं कि सामान्य आदमी सर्प के विष से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन अगर जानकार हो तो उसी सर्प के विष से औषधि बना ले जो कि मरते हुए आदमी को जिला सकती है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया विषस्य विषम औषधम, विष की दवा विष ही है। अगर कोई जाने, इसीलिए आजकल तो बहुत सारी दवाइयाँ सांप के विष से ही बन रही हैं और बहुत सारे लोगों को उससे स्वास्थ्य का लाभ हो रहा है। तो कोई वस्तु अच्छी है हमारे लिए कि बुरी है, ये वस्तु में नहीं लिखा है, ये हमारे उपयोग के ऊपर है कि हम किस वस्तु का कैसा उपयोग करते हैं। अगर हमारे पास आग है तो हम उससे भोजन बना करके खा करके स्वस्थ रह सकते हैं, और नहीं तो अपने आप को ही जला सकते हैं। बहुत से लोग जला ही लेते हैं, आवेश आया और बस आओ देखा नताओ, तेल अपने ऊपर छिड़का और बस माचिस की एक तीली काफ़ी है, बाद में फिर बचाओ बचाओ की आवाज़ थोड़े बचा सकती। तो वस्तु वही है, उसका प्रयोग कौन करता है? सांप है, और उसी सांप से आप मृत्यु पा सकते हैं और उसी से जीवन पा सकते हैं। इसलिए नाग पंचमी का जो दिन है वो बड़ा माननीय महनीय दिन माना जाता है, क्योंकि नाग हमको जीवन भी देता है और मृत्यु भी देता है। और पंडित लोग तो, पंडित क्या अन्य लोग भी नाग पंचमी के दिन को बड़ा महत्व देते हैं। पंडित लोग आज के दिन शास्त्रार्थ करते हैं और पहलवान लोग आज के दिन दंगल करते हैं, जरूर लड़ते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि नाग पंचमी के दिन अगर आपने लड़ाई की और विजयी रहे तो फिर पूरा वर्ष आपको विजयी रहना क्षण करते हैं। इस बात का विश्वास हमको हो जाना चाहिए, इसीलिए परब्रह्म परमात्मा ने हमारे समय में जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के रूप में अवतार लिया है और हमारे बीच में वो पधार रहे हैं। उनके दर्शन से, उनके द्वारा दिए गए उपदेश से हम अपने जीवन को धन्य बनाएं। धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गो हत्या पूज्य पाठ जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की भगवान सदगुरु की नमः। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय।